मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव रमजानी मस्जिद के पास, मौलाना कंपाउंड के करीब रात 2:30 बजे के बाद 3 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। जमीन का कारोबार या सियासी रकाबत के चलते हुआ ये मामला, ये कहना अबल अज वक्त होगा। मालेगांव 1 अक्टूबर मंगल की रात 2:30 बजे रमजानी मस्जिद मौलाना कंपाउंड के पास 3 राउंड फायरिंग हुई। शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती, ओडीवाई एसपी तेजबीर सिंह संधु और सिटी पॉलिटिशन की टीम मौके वारदात पर पहुंची और तफ्तीश और तहकीक कार्रवाई करते नजर आई। हमें अपने ज़राए से ऐसा मालूम हुआ, बताया गया है कि कुछ लोग ज़मीन के कारोबार के सिलसिले में आपसी गुफ्तगू कर रहे थे, जब ही इनके बीच फायरिंग हुई। या वाकई ऐसा ही है या फिर इलेक्शन के करीब सियासी दुश्मनी में ऐसा वाकया पेश आया है, पुलिस हर एंगल जाविये से जांच पड़ताल कर रही है। इस वाकये के बाद से रात देर गए तक बिलखसूस मछली बाज़ार, बादशाह खान नगर, मौलाना कंपाउंड, मोमिनपुरा, कमालपुरा, इस्लामपुरा समेत पूरे शहर में इस 3 राउंड फायरिंग से सनसनी फैल गई है। इसकी चर्चा है, पुलिस का दावा है कि वो सीसीटीवी कैमरे और खुफिया जराए से फायरिंग करने वाले तक पहुंच जाएंगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। शहरियान अफवाहों पर ध्यान।